प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस की युवा ब्रिगेड बिफर गई है। वीरवार को कांग्रेस युवा मोर्चा ने शराब को सस्ती किए जाने पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि इससे एक ओर जहां युवा नशे की गर्त में जाएगा तो वहीं आपराधिक घटनाएं भी बढ़ेंगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में शराब सस्ती करने के फैसले के विरोध में युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। वीरवार को प्रदेश युवा कांग्रेस ने शिमला में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौर हो कि जयराम मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब पर टैक्स घटाया जाएगा जिससे दाम कम हो जाएंगे। जयराम सरकार ने तर्क दिया है कि बाहरी राज्यों से होने वाली शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश के पर्यटन स्थलों में होटलों और बार में रात को 2 बजे तक शराब परोसी जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शराब को सस्ती करने को लेकर दिया गया तर्क हास्यपद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के इस फैसले से प्रदेश में अपराध बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि कहां तो सरकार को डिपुओं में राशन सस्ता करना चाहिए था, बल्कि सरकार इसके विपरीत शराब सस्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेश युवा कांग्रेस जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन करेगी। जयराम सरकार ने जो शराब नीति में बदलाव किया है और उसमें इन्होंने एक फैसला लिया है, जो शराब के लिए रात को जो 5 सितारा होटल है, टूरिज्म के जो होटल है और बार है, वो खुले रहेंगे 2 बजे तक। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि के लिए, क्योंकि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगर रात को 2 बजे तक इसी तरह से शराब का काम चलता रहा और रात को जब 2 बजे होटल और बार और 5 सितारा और टूरिज्म के जो होटल है वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद जो व्यक्ति नशे की हालत में बाहर निकलेगा तो सड़कों पर वो हुड़दंग मचाएगा और उससे क्या होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, हत्याएं, डकैती, चोरी, लूटपाट और छेड़छाड़ी के मामले बढ़ेंगे। ये कहाँ, और इसके लिए ये सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि दूसरे राज्यों से जो बाहर से शराब की जो तस्करी हो रही है, इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर शराब को सस्ता किया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बयान और इनका ये तर्क है कि दूसरे राज्यों से जो शराब आ रही है उसकी तस्करी रोकने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, वो बिल्कुल चरमरा गई है। उसी वजह से प्रदेश के अंदर जो शराब की तस्करी हो रही है, चिट्टा इस प्रदेश के अंदर आ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जयराम सरकार इस विषय में बिल्कुल भटक चुकी है, सफल साबित हुई है। क्या रोजगार देने के बजाय प्रदेश के अंदर शराब को प्रमोट किया जा रहा है? इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर मीट की थी और इन्वेस्टर को बुलाने की बात की थी। आज क्या वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को शराब में अपना भविष्य इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं? ये बड़े शर्म की बात है। कहाँ तो इनको डिपुओं के अंदर दालें सस्ती करनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सीमेंट बन रहा है वो महंगा है और बाहर सस्ता है, उसको सस्ता करना चाहिए था। अगर आपने राजस्व जुटाना है, सरकारें आती है जाती है, राजस्व जुटाती है, लेकिन आप हिमाचल को ताक पर रखकर, हिमाचल की जनता को ताक पर रखकर उनके जीवन से, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, युवाओं से खासतौर पर शराब के लिए आप प्रेरित कर रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।